गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। पूरे गुजरात के आर्थिक जीवन में हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे विकट हाल की शायद किसी ने कल्पना की होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। पूरे गुजरात के आर्थिक जीवन में हाहाकार मचा हुआ था। एक तरह से गुजरात का फाइनेंशियल सेक्टर संकट में आ गया था। उस समय मैं पहली बार विधायक बना था, मेरे लिए ये भूमिका भी नई थी, शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। इस बीच एक और घटना घट गई, गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। ऐसे विकट हाल की शायद किसी ने कल्पना की होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। हालांकि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा, ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई, एक निराशा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। स्टे विद द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर न्यूज ब्रेक्स, एनालिसिस, इंटरव्यूज एंड इवेंट्स। वी ब्रिंग यू स्टोरीज फ्रॉम योर नेबरहुड एंड फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एज वेल। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़।